डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कटिंग ऑफ लेंसेस। सो अगर हम एक कंप्लीट एक फुल लेंस लेंगे, लेट सपोज मेरे पास ऐसे एक लेंस है, लेट मी कंसीडर एन इक्विकन्वेक्स लेंस और आप कनकेव लेंस भी ले सकते हो। आप ये मेरे पास एक लेंस है, लेट्स एज्यूम दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पर इस लेंस को हम कट करेंगे, यानी इसकी कोई इनिशियली इसकी कोई फोकल लेंथ होगी इस लेंस की। लेट्स सपोज इसकी फोकल लेंथ है एफ, इस पूरी लेंस की फोकल लेंथ क्या है एफ। अब मैं इसको कट करूंगा इस लेंस को, तो यहां पे कटिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि व्हेन ए लेंस इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब मैं इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करूंगा ऐसे, तो इसमें दो लेंसेज बनेगी। एक लेंस यहां पर ऐसे बनेगी, एक पार्ट ऐसे आएगा, तो नीचे दूसरा पार्ट आएगा, तो इस तरह से ये दो पार्ट्स लेंस के बनेंगे। तो अब हमने बोलना है इस पार्ट या इस पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी। तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि यही लेंस है हमारे पास, ऐसे मेरे पास ये लेंस है। अब मैं यहां पे कन्वेक्स लेंस शो करता हूं, बट दिस रिजल्ट फॉलोज फॉर कॉनकेव आल्सो, ये कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम आते हैं फिर। सो लेट्स सपोज इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब मैं इस लेंस को कट करूंगा, लेकिन अब मैं कट कैसे करूंगा इसको, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैं इसको ऐसे कट करूंगा ऐसे। सो दैट मींस इट इज नाउ, हम इसको ऐसे कट देंगे, तो इसमें दो लेंसेज फिर से बनेंगी। एक यहां पर ऐसे बनेगी, यानी इसमें प्लेन और कन्वेक्स लेंसेज दो बनेगी, एक आ गई ये, दूसरी बनेगी यहां पर ऐसे, इस तरह से दो लेंसेज इसमें बनेगी। तो अब आपने बोला यहां पर फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या होगी, तो यही दो तरीके यहां पे हमने डिस्कस करने हैं। सो पहला पार्ट ये है, व्हेन अ लेंस इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस द केस व्हेन द लेंस इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये केस कौन सा है, when a lens is cut perpendicular to principal axis to its principal axis। चलिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इस केस में हम हमेशा याद रखिएगा, जो फोकल लेंथ इस होल लेंस की होती है, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इक्वल्स द फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस। यानी ये पार्ट जो है, लेट्स सपोज इसकी फोकल लेंथ है एफ वन, इसकी फोकल लेंथ है इस पार्ट की एफ टू। इस केस में जब ये लेंस को कट करेंगे आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल, यानी एफ वन इज इक्वल टू एफ टू एंड इट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस। So, ये आप इसमें याद रखेंगे, यानी फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस व्हेन ए लेंस इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें कभी ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल आप यही दो पार्ट्स लेते हो, ये आपके पास एक कंप्लीट लेंस थी, एक फुल लेंस थी जिसकी फोकल लेंथ एफ थी। अब आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऐसे along the principal axis, तो इसमें ये दो parts ऐसे बने हैं। तो फिर question ऐसे आता है, अगर आप इनको ऐसे contact में रखोगे, now अगर आप इनको ऐसे contact में रखोगे, एक lens हो गया ये F1, इसी तरह ये हो गया यहाँ पे दूसरा part, इनको आप ऐसे contact में रखते हो ऐसे F1 और F2 को। अब आपने बोलना है इस system की equivalent focal length क्या होगी। So, इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे कौन सा रिजल्ट, लेंसेस इन कांटेक्ट, जब हम लेंसेस को कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसमें आपने पता है 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2, एफ1 भी एफ है एफ2 भी एफ है, सो इट इज 2 बाय एफ। तो एफ इक्विवेलेंट जो आएगा इस केस में, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल एफ बाय 2, इसका रेसिप्रोकल।
1 by F equivalent, 2 by F, तो F equivalent will be equal to F by 2. अब कभी कभी यही क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें जो ये लेंसेज है, इन लेंसेज को यहां पे ऐसे प्लेस करते हैं. अगर ये लेंसेज को हम ऐसे प्लेस करेंगे, पहली लेंस हम ऐसे ही रखेंगे, ये आगे ये पार्ट. अब ये पार्ट जो है इसको मैं इन्वर्ट करता हूं, यानी ये मैं ऊपर ऐसे रखता हूं, ऐसे. ऐसे हम इसको रखेंगे. Now, यही दो है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, लेकिन अब आप इनको ऐसे इन्वर्टेड पोजीशन में आप इनको कंटैक्ट में रखते हो, तो इस केस में क्या होगी एफ इक्विवेलेंट, इस केस में एफ इक्विवेलेंट इज इनफिनिटी. इट विल सिंपली बिहेव एज ए ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब बिहेव करेगा. क्योंकि यहां जरा देखे, अगर आप रे को ऐसे इंसिडेंट करते हो तो ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये रे, ये लेंस, लेंस जो है ये इसको कन्वर्ज करेगी, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ये ऐसे लाएगा इसको. लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट दूसरा, दूसरी लेंस जो है, ये इसको फिर से यहां पे वापस ले आएगी ऐसे, ऐसे. सो दैट मींस कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे यहां पे, ये लेंस जो है यहां पे, ये सिस्टम जो है, इट विल सिंपली बिहेव एज ए स्लैब, एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा इस केस में. सो दिस इज, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन दिस पार्ट. अब इसी तरह, अब दो ही नहीं है, अब इसमें तीन चार भी आप ऐसे बनाएंगे, तीन चार पार्ट्स के बनाएंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी एफ, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द होल लेंस. जो पूरी लेंस की फोकल लेंथ होगी वही हर पार्ट की फोकल लेंथ आएगी इस केस में. तो ये आ गया पहला केस. अब दूसरा केस हम देखेंगे. इस केस में अगर आपके पास ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, अगर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, ये रेडी ऑफ कर्वेचर और ये रेडी ऑफ कर्वेचर अगर इक्वल है, तो ये भी R है सपोज, ये भी R है. अगर इसकी फोकल लेंथ F है, तो यहां पे इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी फोकल लेंथ F2 है, तो देन इन दैट केस F1 इज इक्वल F2, F1 और F2 इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड अगर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है. अगर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस नहीं है तो F1 और F2 इक्वल नहीं होंगे, तब F1 और F2 का वैल्यू डिफरेंट होगा. लेकिन हम इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इक्वी कन्वेक्स लेंस का ही लेंगे या इक्वी कॉनकेव लेंस का लेंगे वहां पे कंसेप्ट. सो दैट मींस यहां पे ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये दोनों फोकल लेंथ उस केस में इक्वल आ जाएंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस. इन ए फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस. अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल, अब यही क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपके पास है ये दो लेंसेस, आपके पास एक कंप्लीट लेंस थी, आप इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में, तो फोकल लेंथ ऑफ वन पार्ट इज F1, दूसरे पार्ट की फोकल लेंथ है F2. अगर आप वापस इनको कंटैक्ट में रखते हो, अगर इनको हम वापस कंटैक्ट में रखेंगे तो ये कंप्लीट लेंस फिर से बनाएगा ये लेंस, तो इसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए एफ. जरा हम यहाँ पे चेक करेंगे, वन बाय एफ इक्वलेंट इज इक्वल 1 by F plus 1 by F. लेकिन F1 कितना है? 2F. F2 कितना है? It is 2F. So it is 2 times 1 by 2F. 2, 2 cancels, so F equivalent is equal to F. F equivalent is equal to F. यानी ये वापस ये complete lens देगा मुझे. So चाहे आप इनको ऐसे contact में रखेंगे, अगर आप इनको ऐसे contact में लाएंगे, तब भी ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी एफ. या अगर आप इनको ऐसे भी कंटैक्ट में रखोगे, अगर आप इनको ऐसे भी कंटैक्ट में रखोगे तो तब भी फोकल लेंथ जो आएगी एफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एफ. इसमें सेम आएगी फोकल लेंथ, क्योंकि इसकी भी 2f होगी, इसकी 2f होगी, तो जब इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए, तो हमें f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू f. तो ये आ गया यहां पे दूसरा केस. अब इसमें कभी क्वेश्चंस आते हैं, सो मैं अभी इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसे एक कन्वेक्स लेंस है, यहां पे मेरे पास इसकी फोकल लेंथ है f. एक कन्वेक्स लेंस हमारे पास है, इसकी फोकल लेंथ क्या है f. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ इस लेंस को हम कट करते हैं ऐसे, इट इज कट लाइक दिस.
ऐसे एक कट दिया जाता है इसको और ऐसे भी हम इसको कट करेंगे साइमल्टेनियसली, इसको दोनों डायरेक्शन में कट करेंगे हम ऐसे। तो इसमें फोर पार्ट्स बनेंगे ऐसे, पहले दो ऐसे बनेंगे एक ऊपर दूसरा नीचे, फिर ऐसे बनेंगे हर पार्ट के दो दो, ये बनेंगे दो और ये दो हो गए चार। तो आपने यहां पे जो चार पार्ट्स मिले, यहां पे जो यहां पर ये चार पार्ट्स मिले, इनको मैं ऐसे कंटैक्ट में रखता हूं, एक दो तीन और चार, इनको मैं ऐसे कंटैक्ट में रखता हूं। These four parts, one, two, three and four, इनको मैंने एक कंटैक्ट में ऐसे रखा हुआ है। तो आपने इस सिस्टम की इक्वलेंट फोकल लेंथ निकाल ली है, F इक्वलेंट मैंने डिटरमाइन कर ली है। देखो पहले अगर हम यहां पे देखेंगे ऐसे, जब मैं ऐसे इसको कट करता हूं तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर इसकी फोकल लेंथ F है तो ऊपर के पार्ट की फोकल लेंथ F रहेगी, नीचे पार्ट की फोकल लेंथ F रहेगी। लेकिन जब हम ऐसे इसको कट देते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट बिकम्स डबल। चले सपोज मैंने इसको ऐसे कट किया है तो दो पार्ट्स बने, एक पार्ट इधर से एक पार्ट इधर से, इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ क्या बनेगी ऐसे, इसकी फोकल लेंथ 2f बनेगी और इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ भी क्या बनेगी 2f। अब जब हम ऐसे इसको कट करेंगे, फिर जब हम इसको ऐसे कट करेंगे ऐसे, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिमेंस अनचेंज, यानी इस पार्ट की फोकल लेंथ आएगी फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस, इस पार्ट की फोकल लेंथ आएगी फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस, तो इसकी आएगी 2f, इस पार्ट के लिए भी आएगी 2f, तो नीचे वाले पार्ट के लिए भी आएगी 2f, इस वाले पार्ट के लिए भी आएगी 2f, तो नीचे वाले पार्ट के लिए भी आएगी 2f। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी 2f। तो अब हमारे पास ये है, इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी फोकल लेंथ 2f, इनको मैंने कंटैक्ट में रखा है तो मैंने इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो 1 बाई एफ इक्वलेंट इज इक्वल 1 बाई 2f प्लस 1 बाई 2f प्लस 1 बाई 2f प्लस 1 बाई 2f, सो इट इज 4 टाइम्स 2f, so it is 4 times 1 by 2f, 2 1 r, 2 2 r 4, so it is 2 by f, therefore f equivalent is equal f by f। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सिमिलरली और एक क्वेश्चन मैं यहां पे दूंगा, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक इक्विकन्वेक्स लेंस ऐसे, ये इक्विकन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ जो है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट जो मैं यहां पे शो करता हूं, ये मैं शो करता हूं किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये कनकेव लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। सो दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कनकेव लेंसेज, यानी अगर आपके पास एक कनकेव लेंस ऐसे है, ऐसे कनकेव लेंस है आपके पास, अगर आप इसको ऐसे काट देते हो, अगर आप इसको ऐसे काट कर दे तो टू पार्ट्स हैं, तो अगर इस होल लेंथ की फोकल लेंथ एफ थी तो इस पार्ट की फोकल लेंथ एफ रहेगी, इसकी भी फोकल लेंथ एफ रहेगी। अगर आप इसको ऐसे, अगर ये कनकेव लेंस है आपके पास, इसकी फोकल लेंथ एफ है, अगर आप इसको ऐसे काट देते हो, अगर आप इसको ऐसे काटते हो ऐसे, तो इसकी फोकल लेंथ 2f रहेगी, इसकी फोकल लेंथ भी 2f बनेगी। सो लेकिन इनमें नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे, अब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं कन्वेक्स लेंस में। चले मेरे पास एक इक्विकन्वेक्स लेंस है, इट इज गिवन, इट इज एन इक्विकन्वेक्स लेंस, इक्विकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखता हूं ऐसे 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जरा मुझे बताए पहले इसकी इमेज कहां पे बनेगी, दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इट्स इमेज इज फॉर्मड एट 2f ऑन द अदर साइड, तो इमेज यहां पे बनेगी ऐसे 2f पर, तो यानी ये इमेज भी इसकी बनेगी कहां पे 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट है 2f पर,
करेंगे है ना 10 सेंटीमीटर, तो 2F हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है 2F पर, तो इमेज पे आएगी 2F पर, तो वो भी 20 सेंटीमीटर पे आएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ऐसे है, हम इसको यहां पे इस लेंस को कट करते हैं, हम इस लेंस को ऐसे कट करते हैं, ऐसे इस तरह से हम इसको कट करते हैं। सो फिर एक पार्ट इसका रिमूव करते हैं, यानी दिस लेंस इज कट अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं ऐसे कट करता हूं, फिर एक पार्ट राइट पार्ट जो इसको मैं रिमूव ही करता हूं, यानी ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगी, ऐसे यहां पर ऑब्जेक्ट है एस 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट। तो अब आपने एक पार्ट जब रिमूव किया, आपने बोलना है इस एस की इमेज कहां पे बनेगी। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट यहां पर था एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ये ग्लास लेंस है, ग्लास लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है 1.5। तो इनिशियली यहां पे ऑब्जेक्ट था एट 20 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे बनती थी। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको ऐसे कट करता हूं, और ये राइट पार्ट जो इसको मैं रिमूव ही करता हूं, तो ये ऐसे रहता है यहां पे। आपने बोला यहां पे सोर्स की इमेज कहां पे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट एस की इमेज कहां पे बनेगी। देखो इजी है ये, आपके पास फोकल लेंथ क्या थी 10 सेंटीमीटर होल लेंस की, जब आप इसको अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हो, तो इस पार्ट की फोकल लेंथ क्या बनेगी, अब शाबाश, इट विल बी 2F। फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ होल लेंस, सो 2F मींस फोकल लेंथ ऑफ दिस विल बी नाउ 20 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी कहां पर है अब 20 सेंटीमीटर पे, सो दैट मीन अब ऑब्जेक्ट आ गया इसके फोकल पॉइंट पे। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस, आपको पता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट आप रखते हो कहां पे, अगर ऑब्जेक्ट आता है यहां पे फोकस पे, तो इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। सो दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई होप कि आप इसमें, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो इसमें, वो क्वेश्चन सॉल्व इजीली। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम यहां पे जाएंगे, लेट मी टेक वन मोर कंसेप्ट हियर। चले मैं एक और कंसेप्ट आपको यहां पे सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे एक लेंस है, ऐसे ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इस लेंस का कोई पोर्शन आप कवर करते हो, अगर आप इस लेंस का कोई पोर्शन कवर करते हो ऐसे, सपोज इसमें आपने ओपैक ऑब्जेक्ट से या मीडियम से आपने इसको कवर किया हुआ है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेंस का, वो यहां पर अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट था यहां पर, ये इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा। देखो यहां पर जो पूरी लेंस यहां पर इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनाती थी, सेम इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय दिस पोर्शन। नाउ जो आप यहां पर ये पोर्शन हाइड करते हो, तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम बनाएगी, जैसी इमेज किसने बनाई थी, होल लेंस ने जैसी बनाई थी, एक्सेप्ट यहां पर क्या होगा कि यहां पर खाली इसकी इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी लोअर, इस केस में ब्राइटनेस ऑफ इमेज जो है वो कम होगी, बाकी जहां पर पहले होल लेंस ने इसकी इमेज बनाई थी वहीं पर ये रिमेनिंग पार्ट भी इसकी इमेज बनाएगा। या फॉर एग्जांपल खाली ऐसा नहीं है, अगर आप इसका ये पोर्शन यहां पे कट ही करोगे, अगर आप रिमेनिंग पोर्शन नीचे वाला पोर्शन इसको आप कट ही करेंगे, तो ये फिर से वहीं पर जहां पर ये पहले फुल लेंस जहां पर इसकी इमेज बनाता था, जहां पर फुल लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता था, ये अपर वाला पोर्शन जो है ना, ये भी उसी जगह पर इसकी इमेज बनाएगा, एक्सेप्ट ये कि इसकी इंटेंसिटी कम होगी। या ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक कंप्लीट लेंस है, अगर आप इसका ये पोर्शन यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन अगर आप इसको कवर कर सकते हो बाय सम ओपेक मीडियम, अगर आप इस पोर्शन को कवर करोगे, जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ये और ये,
तो ये भी वहीं पर इमेज बनाएगा जहां पर पूरी लेंस ने, जहां पर कंप्लीट होल लेंस ने जहां पर इसकी इमेज बनाई थी, ये रिमेनिंग पोर्शंस भी वहीं पर इसकी इमेज बनाएंगे। खाली ये केस होगा कि इसमें इंटेंसिटी क्या होगी कम। तो ये हो गया ये कंसर्न। यानी अगर आप सर्टन पोर्शन किसी लेंस का कवर करते हो या उसको रिमूव करते हो, आप जो रिमेनिंग पोर्शन उस लेंस का है वो उसकी इमेज पोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी इमेज की पोजीशन फिर से वहीं पर रहेगी जहां पर पहले होल लेंस ने बनाई थी उसकी इमेज, और साइज भी इमेज का सेम होगा जितना साइज होल लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी। खाली ये चेंज आ जाते हैं कि इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस ऑफ इमेज जो है वो कम हो जाती है। बस ये यहां पर आपने याद रखना है। अब इसी तरह दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे एक लेंस है, ये लेंस है, अगर यहां पर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, और नीचे वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू थ्री। ये देखो ये एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री। ये तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट है, ये डिफरेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पर रखोगे, ऑब्जेक्ट ओ, इसकी तीन इमेज बनेंगे, सो इट विल फॉर्म थ्री इमेज। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आ गए म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, तो इसमें जितने मीडियम होंगे उतने यहां पे इमेज बनेंगी। अगर ऑब्जेक्ट ओ है यहां पर तो इसमें फोर इमेज बनेंगे। अब अगर क्वेश्चन ऐसे हैं, लेट्स सपोज ये है म्यू वन, ये है म्यू टू, ये है म्यू वन, इस पोर्शन और इस पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका लेकिन डिफरेंट है, तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है ओ, तो यहां पर कितनी इमेज बनेगी, यहां पे खाली दो इमेज बनेंगी। जितने यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यहां पर जितने आएंगे उतनी इमेज बनती है। तो इसी तरह मुझे जरा इसका आंसर बता दीजिए आप, म्यू वन म्यू टू म्यू वन म्यू थ्री म्यू टू म्यू फोर म्यू वन। जरा इसमें मुझे बताए कितनी इमेज बनेंगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज ये है ऑब्जेक्ट ओ, इसकी मुझे बताए कितनी इमेज बनेंगी। देखो म्यू वन म्यू वन म्यू वन, तो ये एक इमेज बनाएगा, म्यू टू म्यू टू ये दो इमेज, म्यू थ्री हो गए तीन, म्यू फोर हो गए चार, तो इसमें चार इमेज बनेंगी। So, जितने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आएंगे उतनी इमेज बनेंगे इस ऑब्जेक्ट की। सो नाउ अब इसमें है एक कंसेप्ट दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई लेंस लेते हैं तो इसका एक साइड जो है, एक सरफेस जो है, उसको हम सिल्वर करते हैं। यानी ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपके पास एक लेंस है, अब ये पोर्शन यानी ये सरफेस या ये सरफेस, इसमें से आप एक सरफेस को क्या करते हो, सिल्वरिंग करते हो, इसको आप कोटिंग करते हो, तो ये बिहेव करेगा एज ए मिरर। तो अब हम इसी पे यहाँ पे एक दो कंसेप्ट सीखेंगे। सो ये हम देखेंगे ये ऐसे केस में आप कैसे अप्रोच करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस सिल्वरिंग ऑफ लेंस। यानी अगर आप एक लेंस लेते हो, कोई भी कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस है, उसकी एक सरफेस को आप सिल्वरिंग करते हो, कोटिंग करते हो, तो फिर आप वहां पे देखोगे वो सिस्टम जो है वो क्या कैसे बिहेव करेगा, क्या वो लेंस रहेगा, क्या वो मिरर बिहेव करेगा। अगर मिरर बिहेव करता है तो कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा, कन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा, या प्लेन मिरर बिहेव करेगा, वही हमने यहां पर देखना है। चलिए लेट मी टेक ए वेरी बेसिक एग्जाम्पल। यहां पर हम ऐसे ये एग्जाम्पल लेंगे, लेट सपोज यह है एक लेंस, इसकी फोकल इसकी लेंस है एफ एल, लेंस की फोकल लेंथ है एफ एल, ऐसे इसका भी कोई राइट सब कर्वेचर होगा लेट्स सपोज आर, इसका भी कोई राइट सब कर्वेचर होगा लेट्स सपोज इसका भी राइट सब कर्वेचर आर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का म्यू, जो लेंस है लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब देखो हम एक सरफेस को सिल्वरिंग करेंगे, लेट मी सपोज कि मैंने इस सरफेस को यहां पे सिल्वरिंग की है, कोटिंग की है मैंने इसको ऐसे, तो देखो आप यहां पर ये क्या बिहेव करेगा। इस केस में आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल पहले यहां पर एक लेंस है,
ये आ गया ऐसे लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ है FL। अब उसके बाद क्या रखते हो आप आगे आगे, जैसे आप यानी पहले रे जो है, सपोज यहां पर आपने रे इसको यहां पर ऐसे इंसिडेंट किया है, ऐसे रे आ गई है इसमें, सपोज ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऐसे आ गई है इसमें, तो हमने पता है ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये ऐसे आएगा, तो ये मिरर यहां पर, ये मिरर आ गया, तो मिरर इसको यहां पर क्या करेगा, ये फिर से इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो ये फिर से लेंस को क्रॉस करेगी, तो ये यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर इमेज बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट था यहां पर। सो दैट मींस यहां पर दो रिफ्रैक्शंस होती है, पहले ये ऐसे है, नाउ इट विल बिहेव एज इफ ये ऐसा बिहेव करेगा, ये ऐसे ये सिस्टम बिहेव करेगा, पहले यहां पर ये लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी, ऐसे इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी, फिर ये मिरर ये सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी ऐसे, तो फिर इस लेंस पे फिर से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो ये ऐसे आ जाएगा ये केस। सो दैट मींस इस केस में अगर हम टोटल पावर देखेंगे, टोटल पावर ऑफ द सिस्टम, टोटल पावर यानी इक्विवेलेंट पावर, इट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, पहले इस लेंस का पावर, फिर यहां पे मिरर प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस फिर वापस लेंस के थ्रू ये रे आ जाते हैं, इट इज पावर ऑफ लेंस। आप हमेशा यहां पर याद रखेंगे पावर ऑफ ए लेंस और पावर ऑफ मिरर में क्या रिलेशन है। पावर ऑफ लेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/focal length। पावर ऑफ मिरर हम डिफाइन करते हैं -1/focal length ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज 1/FL, और पावर ऑफ मिरर हम डिफाइन करते हैं -1/F मिरर। ये ऑलरेडी आपने पता है लेंस का, तो आपने पता है मिरर के लिए आप याद रखेंगे पावर ऑफ ए मिरर इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। चलिए अब इस केस में अब जरा मुझे बता दीजिए, ये इसने मिरर बिहेव किया कि लेंस इसने बिहेव किया, सो अल्टीमेटली इसने मिरर बिहेव किया, सो इट बिहेव्स एज ए मिरर, इट बिहेव्स एज मिरर। चले अब आपने पावर ऑफ इक्विवेलेंट पावर, ये इक्विवेलेंट पावर किसका आएगा, मिरर का आएगा, सो मिरर के हमने पता है, इसके लिए पता है हमने पावर कितना होता है, इट इज 1/F मिरर, लेकिन नेगेटिव, इट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो ये यहां पे ये सिस्टम जो है इट बिहेव्स एज ए मिरर, तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव ऑफ 1/focal length ऑफ मिरर इज इक्वल 1/FL प्लस -1/F मिरर, जो ये सरफेस है ये बिहेव करेगा एज मिरर, प्लस 1/F लेंस, तो ये ओवरऑल ये ऐसे रहेगा, ये सिस्टम ओवरऑल ऐसे बिहेव करेगा। सो ये रिलेशन आप इसके लिए यूज करेंगे, जहां पर भी आपको सिल्वरिंग कंसेप्ट आ जाएगा तो आप वहां पर इसको ऐसे यूज करेंगे, उसमें दो लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी और एक मिरर पे रिफ्लेक्शन आ जाएगी। चले मैं यहां पर लेता हूं एक इक्वी कन्वेक्स लेंस, हम एक इक्वी कन्वेक्स लेंस लेते हैं ऑफ रेड सब कर्वेचर आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो उसके लिए हम देखेंगे वो सिस्टम जो है उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। चले सो क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक इक्विकन्वेक्स लेंस है, इक्विकन्वेक्स लेंस R1 = R2 = 10 cm, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये इक्वल है 10 cm, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज से 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5। ऑब्जेक्ट मैं यहां पे रखता हूं, ये ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm, ये है ऑब्जेक्ट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम दिस लेंस, और मैं इसकी एक सरफेस को सिल्वरिंग करता हूं, ये इस सरफेस को मैं सिल्वरिंग करता हूं, ऐसे मैंने निकालना है पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए की मैंने निकाली है यहां पे पोजीशन। देखो अगर हम यहां पर लेंगे
जो मैंने अभी आपको बताया था, इट विल सिंपली बिहेव एज ए मिरर, ये बिहेव करेगा मिरर। लेकिन यहां पे ओवरऑल हम देखेंगे, पहले लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी, हो गया वन पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर पर रिफ्लेक्शन होगी, आएगा पावर ऑफ मिरर, फिर से रे जो है वो लेंस के थ्रू पास होगी, तो फिर से आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो ओवरऑल यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे पी इक्वलेंट इज इक्वल पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, ये मैंने अभी आपको बताया था कैसे आता है। नाउ जो इक्वलेंट पावर है, ये सिंस मिरर बिहेव करेगा, इसलिए मिरर का पावर होता है 1 बाय एफ इक्वलेंट इज इक्वल पावर ऑफ लेंस इज 1 बाय एफ एम प्लस पावर ऑफ मिरर इज 1 बाय एफ एम प्लस पावर ऑफ लेंस इज 1 बाय एफ एल। अब मैं निकालूंगा एफ एल और एफ एम, यानी पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस और फोकल लेंथ ऑफ मिरर मैंने कैलकुलेट करना है। चलिए मैं पहले निकालूंगा 1 बाय एफ एल। अगर हम इसको एज लेंस कंसीडर करते हैं, तो लेंस के लिए मुझे पता है फोकल लेंथ 1 बाय एफ एल इज इक्वल म्यू, इट इज 1.5 माइनस 1, 1 बाय आर 1 इट इज 10, आर 1 इज दिस 10 माइनस 1 बाय आर 2, आर 2 आगे इस सरफेस पर, ये आगे नेगेटिव, सो इट इज माइनस 10, सो इट इज 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू, इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 इट इज 2 बाय 10, 2 इंटू 0.5 इज 1, सो इट इज 1 बाय 10, सो 1 बाय एफ एल आ गया 1 बाय 10 के बराबर। अब मैं इसी तरह एफ एम, देखो ये सरफेस जो है, ये सरफेस ये बिहेव करता है एज ए मिरर। आपने पता है अगर आपके पास एक मिरर है ऐसे, अगर इसका राइट साइड कर्वेचर आर है, तो इसकी फोकल लेंथ होती है हाफ ऑफ राइट साइड कर्वेचर। तो इसी तरह मुझे पता है एफ एम जो आएगा यहां पे, एफ एम फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इट विल बी हाफ ऑफ राइट साइड कर्वेचर, राइट साइड कर्वेचर इस सरफेस में कितना है 10, सो इट इज आर 2 बाय 2, इट इज माइनस 10 बाय 2, इट इज माइनस 5। चले अब मैं निकाल सकता हूं 1 बाय एफ इक्वलेंट कितना आएगा, सो इट इज माइनस 1 बाय एफ इक्वलेंट इज इक्वल 1 बाय एफ एल प्लस 1 बाय एफ एल, इट इज 2 टाइम्स 2 इंटू 1 बाय एफ एल माइनस 1 बाय एफ एम, सो 1 बाय एफ एल इज 10, 1 बाय 10, सो इट इज 2 इंटू 1 बाय 10, 1 by FL is 1 by 10, so 1 by FL के पहले मैंने 1 by 10 substitute किया, minus 1 by FM, FM is minus 5, so it is FM, FM is minus 5, so 2 1 are 2, 2 5 are 10, so it is 1 by 5 minus minus plus 1 by 5, so it is 2 by 5. So therefore F equivalent is equal to 5 by 2 minus. Minus means it will behave as a concave mirror. So behaves as concave mirror. So the whole system will behave as a concave mirror of equivalent focal length minus 5 by 2. अब आपने पता है object distance कितनी है 20 centimeter. So U is equal to minus 20 centimeter. फोकल लेंथ माइनस 5 बाय 2, तो आपने v निकालना है इमेज डिस्टेंस, सो नाउ v विल बी इक्वल टू बाय मिरर फार्मूला। अब आपने यहां पे सिंस इट बिहेव्स एज ए मिरर, तो आपने मिरर फार्मूला यूज करना है, तो मिरर फार्मूला में मुझे पता है v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, यहां पे f के बदले हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेंगे, u इट इज माइनस 20, f माइनस 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस 20 माइनस माइनस 5 बाई 2। जरा इसको देखे, माइनस माइनस प्लस, इट्स माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 100 बाई 2, 100 बाई 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5 इज 100। देखो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 2 इंटू 20 इज माइनस 40, माइनस 40 प्लस 5 इज माइनस 35, सो माइनस 35 बाई 2, 2 2 cancels, it's 100 by 35,
100 by 35 with negative sign, minus, because here minus that I am there. 100 by 35 is around 3, it is 2.9 centimeter, minus. So that means, final image will be formed around minus 2.9 centimeter will be around here. So, yahan par final image banegi, image will be formed here. So, is tarah se isme koi bhi question aayega to aapne yahi approach karna hai. चलो मैं और एक क्वेश्चन इसमें देता हूं, आप अकॉर्डिंगली उसको आप सॉल्व कीजिए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा उससे. चलिए क्वेश्चन ऐसे हैं, लेट मी टेक इट लाइक दिस. चलो ऐसे लेते हैं, इस सरफेस को मैं सिल्वरिंग करता हूं. यहां पर इसका रेड सब कर्वेचर जो है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और म्यू इज इक्वल 1.5. रेड सब कर्वेचर इसका 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. सो अब यहां पर ऑब्जेक्ट है ऐसे, ऑब्जेक्ट इज हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है. आपने निकाला है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ये म्यू इसका 1.5. देखो फिर से अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप विजुअलाइज करेंगे तो यहां पे अगर हम पहले देखेंगे इट विल बिहेव लाइक दिस. ये एक लेंस है, फिर यहां पर एक मिरर आएगा ऐसे. तो पहले रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस होगी, पहले इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी, फिर इस मिरर पे रिफ्रैक्शन आएगी, फिर इस लेंस के थ्रू फिर से रिफ्रैक्शन होगी ऐसे. सो दैट मींस दिस होल सिस्टम विल बिहेव एज ए मिरर. तो उसकी उसका इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा उस मिरर का, इट विल बी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस. पहले लेंस का पावर, फिर मिरर का पावर, फिर वापस लेंस का पावर. तो यह ऐसे बिहेव करेगा सिस्टम. तो अब पावर ऑफ मिरर हमने पता है इट इज इक्वल माइनस 1 बाय एफ इक्विवेलेंट 1 बाय एफ एल प्लस 1 बाय एफ एम, लेकिन माइनस क्योंकि पावर ऑफ ए मिरर इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इट इज माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय इट इज 2 बाय एफ एल इट इज 1 बाय एफ एल. ये क्योंकि सेम लेंस है, ये पावर और ये पावर सेम आएगा 1 बाय एफ एल, वो भी 1 बाय एफ एल, तो मैंने 2 बाय एफ एल लिखा है. चलिए अब मैंने एफ एल निकालना है और एफ एम निकालना है. 1 बाय एफ एल आप निकाल सकते हो, म्यू इट इज 1.5 माइनस 1, 1 बाय आर 1, आर 1 इज 10 माइनस 1 बाय आर 2, आर 2 इज इनफाइनाइट सो आर 2 इज इनफिनिटी सो इट इज 1.5 माइनस 1 0.5 बाय 10 सो इट इज 1 बाय 20. चले एफ एम निकालेंगे हम. देखो ये यहां पर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का राइट सब कर्वेचर क्या होता है इनफिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इनफिनिटी आएगी, यानी आर बाय टू, सो दैट इज इनफिनिटी बाय टू, दैट्स अगेन इनफिनिटी. चले अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो देयर फोर माइनस 1 बाय एफ एल एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल 2 बाय एफ एल, 1 बाय एफ एल कितना आता है 1 बाय 20 सो इट इज 1 बाय 20 माइनस 1 बाय इनफिनिटी. Focal length of mirror is infinite, so it is 1 by infinity is 0, so it is 1 by 10. So f equivalent is equal to minus 10 centimeter. So equivalent focal length turns out to be minus 10 centimeter. Ab dekho, object distance yahan se yahan tak kitni hai? 30 centimeter. So u is equal to minus 30 centimeter. Ab aap nikal sakte ho v kitna aayega. तो फिर से आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस दिस होल सिस्टम बिहेव्स एज ए मिरर, अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई माइनस 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है माइनस 30 सेंटीमीटर, तो आपने वी निकालना है इमेज डिस्टेंस. सो वी विल बी इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ. यू इज, यू कितना है माइनस 30, एफ इज माइनस 10 डिवाइडेड बाई यू माइनस 30 माइनस f is minus 10, so it behaves as a concave mirror. Whole system will behave as a concave mirror. So now minus minus plus, upar aayega plus, so it is 300 divided by minus 30 plus 10, so minus 20
it is minus 15 centimeters. So the final image will be formed at minus 15 centimeters. Minus इसी side में आएगा, तो यहाँ पर image बनेगी. तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, आप इसमें सॉल्व कर सकते हो आप. चले मैं इसमें एक फाइनल क्वेश्चन इस पे देता हूं. सो थोड़ा सा वो ट्रिकी है, उसमें मैं एक एडिशनल लेंस अप लेता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए अच्छे से. चलो मैं इसमें फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेट मी टेक ए कॉनकेव लेंस. ये कॉनकेव लेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज 1.5. उसके बाद यहां पर मैं एक ऐसे लेता हूं कॉनकेव कन्वेक्स लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मैं लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये है, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर और इस सरफेस को मैं सिल्वरिंग करता हूं, सरफेस को मैं ऐसे सिल्वरिंग करता हूं. तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं ऐसे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं इस सिस्टम से, क्योंकि हम यहाँ पे थिन लेंसेज लेते हैं. चाहे आप यहां से डिस्टेंस मेजर करें, यहां से मेजर करें, यहां से मेजर करें, वो एक ही बात है, बिकॉज इट्स दीज आर थिन लेंसेज, तो इनकी थिकनेस जो है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं. इसलिए मैंने यहां पर ये शो किया है, इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. आप इसकी इमेज निकालने हैं, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज. देखो ये क्वेश्चन जो है यहां पर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है. जब पहले रे यहां से निकलेगी तो पहले यहां पर आएगी ऐसे एक लेंस, लेट्स सपोज ये है एस ऑब्जेक्ट. यहां से जब रे निकलेगी ऐसे तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी इस लेंस से. तो फिर आगे ये लेंस है, आगे फिर कन्वेक्स लेंस आएगी ऐसे, कन्वेक्स लेंस पे ये जाएगी. तो फिर ये कन्वेक्स लेंस इसको क्या करेगी, इसको कन्वर्ज करेगी, इसको ऐसे लाएगी सपोज. फिर से आगे यहां पर इसको मैंने सिल्वरिंग किया है तो ये एज मिरर बिहेव करेगा, तो ये कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा यहां पे ऐसे. फिर से वापस ये ऐसे आएगी, ये इसको और कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये इसको डाइवर्ज करेगी यहां पे, ये इसको डाइवर्ज करेगी, सपोज यहां पे इमेज बनती है. सो दैट मीन्स यहां पे ये लेंस है एफ एल वन, ये है लेंस टू एफ एल टू, ये है मिरर एफ एम. तो यहां पे आगे हम देखेंगे ओवरऑल इफेक्ट. सो पावर इक्विवेलेंट पावर जो आएगा, इट विल बी पावर ऑफ दिस लेंस प्लस पावर ऑफ दिस लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस वापस पावर ऑफ लेंस टू प्लस वापस इसका पावर ऑफ लेंस वन. सो दैट मीन इट इज ट्वाइस पावर ऑफ लेंस वन प्लस ट्वाइस पावर ऑफ लेंस टू प्लस पावर ऑफ मिरर. सो इट इज माइनस वन बाय एफ इक्विवेलेंट, क्योंकि ये मिरर बिहेव करेगा, मिरर की फोकल लेंथ होती है माइनस वन बाय एफ एम. इट इज इक्वल टू बाय एफ एल वन प्लस टू बाय एफ एल टू प्लस माइनस वन बाय एफ एम. चल अब मैंने एफ एल वन और एफ एल टू निकालने हैं. जरा ये देखें, पहले इसको देखें 20-20. सो इट इज इक्वी कॉनकेव लेंस, इट इज इक्वी कॉनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जो आएगी एफ एल वन जो आएगी इट सिंपली इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. अगर आपको याद होगा फॉर एन इक्वी कॉनकेव लेंस और इक्वी कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 focal length equals the radius of curvature. So इसकी focal length जो आएगी it will be equal to radius of curvature, that's 20 centimeter. But it is concave, so negative. चले अब इस lens के लिए, लेकिन यहाँ से 20 यहाँ से 30, तो इसके लिए हम calculate करेंगे 1 by FL2 mu 1.5 minus 1 1 by R1 is plus
ये इसका प्लस आएगा रेड सब कर्वेचर 20 माइनस 1 बाय आर 2 इसका इसका है माइनस 30 सो इट इज 0.5 इनटू ये देखो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा यहां पे 60 तो इसको 3 मल्टीपल करेंगे सो इट इज 3 बाय 60 माइनस माइनस प्लस 2 बाय 60 3 प्लस 2 इज 5 सो 5 बाय 60 5 1 आर 5 12 आर सो इट इज 1 बाय 24 It is 0.5 is 1 by 2. 1 by 2 into 12 is 1 by 24. So, इसी तरह FM निकालूंगा मैं. FM. Mirror ये surface है, ये surface. तो इसका right sub curvature क्या है? 30. तो इसके लिए आएगा R 2 by. It is R by 2. It is minus 30 by 2. It is minus 15 centimeter. आगे FM भी. Therefore, F equivalent निकाल सकते हैं. Minus 1 by F equivalent. FE is equal to 2 by FL1 2 into 1 by FL1 FL1 कितना आ गया 20 minus 20 minus 20 plus 2 by 1 FL2 1 FL2 is 1 by 24 plus plus minus minus है ये minus minus ये भी है minus हो गया plus 1 by 15 So it is 21 R2, 210 R20, so it is minus 1 by 10, plus 1 by 12, plus 1 by 15. तो अब यहां पे हमारे पास ये result आ गया, अब इसमें common denominator 60 आप बना सकते हो आप, so it will be here, minus 6, plus 12 into 5 is 60, 5 plus 15, 4 are 60 divided by 16. Minus 6 plus 5 is minus 1, minus 1 plus 3 is minus 1 plus 3 is plus 3, plus 4, minus 1 plus 4 is plus 3 by 16, 3 by 16, so it is 1 by 20, so F equivalent is this one, minus 20 centimeter, ये minus था, ये minus मैंने इस side में लिया, it is minus 20 centimeter, so this whole system will behave as a concave mirror. ये भी बिहेव करेगा ऐसे कॉनकेव मिरर इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है -20 सेंटीमीटर नाउ ऑब्जेक्ट आपने पता है ऑब्जेक्ट कहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40 सेंटीमीटर देखो आपने पता है मिरर में आपने पता है अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ इमेज इज फॉर्मड आल्सो एट द रेड सब कर्वेचर वो रेड सब कर्वेचर पर ही बनती है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v is equal uf u is minus 40 f is minus 20 divided by u minus 40 minus minus 20 so minus minus plus so it's minus 20 ऊपर बनेगा ये 40 into 20 minus minus plus बनेगा ऊपर so 0 0 चलो 20 20 cancels it is minus 40 V is equal to minus 40 centimeter. So that way image is here made. This case the image is here made. So the image is formed on the object itself. So this is all about the silvering of lens. So in this, you extra exercise. You can do it yourself. So now, in this way, sometimes there are small objects. Like for example, early sunrise or late sunset is due to the refraction of light. Early sunrise or late sunset is due to the refraction of light. इसी तरह कभी क्वेश्चन आता है इसमें reddish appearance of sun is due to the reddish appearance of sun at the morning or at the evening. Reddish appearance of sun at the morning यानी during sunrise or at the evening is due to the scattering of light. इसी तरह blue appearance of sky. जो हमें स्काई ब्लू दिखता है विच इज नॉट एग्जैक्टली ब्लू सो ये ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ स्काई क्यों आते हैं इट्स अगेन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो रेनबो फॉर्मेशन आता है कभी रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सी फिनोमिनाज इन्वॉल्व रहती है रेनबो इज फॉर्मड बाय टीआईआर डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है रेनबो में उसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाता है और उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है तो उसमें दो टाइप्स ऑफ रेनबोस होती है एक आता है प्राइमरी रेनबो दूसरा आता है सेकेंडरी रेनबो
पहले कंडीशन टू ऑब्जर्व ए रेनबो, एक रेनबो हमेशा आप ऑब्जर्व कर सकते हो इफ द ऑब्जर्वर इज बैक टुवर्ड्स द सन। अगर ऑब्जर्वर का बैक है सन की तरफ तब जाकर ये जो है रेनबो वो ऑब्जर्व हो सकती है। अ रेनबो इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द ऑब्जर्वर बैक इज टुवर्ड्स द सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबोस, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में सिंगल टीआईआर होती है और वहां पे वन टू रिफ्रैक्शंस होती है। सो दो रिफ्रैक्शंस और एक टीआईआर हो जाती है प्राइमरी रेनबो में। प्राइमरी रेनबो होता है ब्राइटर वन, ये ब्राइटर होती है। सो और सेकेंडरी रेनबो जो है, सेकेंडरी रेनबो में क्या हो जाता है उसमें दो रिफ्रैक्शंस और दो टीआईआर हो जाती है। सेकेंडरी रेनबो में दो टीआईआर होती है, प्राइमरी रेनबो में एक टीआईआर होती है। सेकेंडरी रेनबो होती है डिमर, इट इज नॉट एज मच ब्राइट एज द प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो ज्यादा होती है ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो। तो और कलर सीक्वेंस इनमें रिवर्स आ जाती है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में कलर सीक्वेंस आ जाती है रिवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी रेनबो, ये अगर एक ड्रॉप है ऐसे, या अगर एक ड्रॉप है यहां से सनलाइट इस पे फॉल हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगी, डिस्पर्शन भी होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी। डिस्पर्शन ऐसे आ जाती है, सबसे ज्यादा डिविएशन किसमें आ जाएगी, वायलेट में, और कम डिविएशन किसमें आ जाती है, रेड में। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहां पर टीआईआर हो जाती है, यहां पर टीआईआर होके ये ऐसे जाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे निकलते हैं। इसमें वायलेट होता है ऑन द इनर साइड और रेड होता है ऑन द आउटर साइड। इस साइड में रेड आ जाता है और इस साइड में क्या आ जाता है, इस साइड में वायलेट आ जाता है और बाकी कलर्स बीच में ऐसे बी आई बी जी वाई ओ आर आ जाते हैं ऐसे। सो वायलेट ऑन द इनर साइड एंड रेड ऑन द आउटर साइड। जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, उसमें रेड होता है ऑन द इनर साइड और वायलेट होता है ऑन द आउटर साइड। आउटर एज पे वायलेट होता है, इनर एज पे रेड होता है। लेकिन प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, प्राइमरी रेनबो में आउटर एज पे रेड होता है, इनर एज पे होता है वायलेट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने होंगे। सो अब इसी तरह इसमें आ जाता है जो व्हाइट अपीयरेंस आती है क्लाउड्स की, इट्स अगेन ड्यू टू स्कैटरिंग। वो भी स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड, वहां पे हर कलर जो है वो इक्वली स्कैटर हो जाता है, दैट्स व्हाई कि वो हमें व्हाइट दिखता है। So this is all about these different phenomena or different objectives which may be asked in exams. So ab isme ek final ek topic hai, that is the displacement method to determine the focal length of convex lens. Chalo main iska thoda sa yahan pe aapko introduction de deta hu. Last mein ab hum discuss karenge displacement method. So displacement method hum usually use karte hain to determine the focal length of a convex lens. This displacement method is used to determine the focal length of convex lens. देखो इसका यहां पे प्रोसीजर क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्क्रीन लेता हूं, यहां पर ये एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं। लेट्स सपोज ये मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ऑब्जेक्ट। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन जो है सपोज मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूं। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डी। अब मैं एक कन्वेक्स लेंस लेता हूं, एक कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ऐसे डिस्प्लेस करता हूं ऐसे, सो दैट की इमेज कहां पे बने, स्क्रीन पर। तो मैं पहले ऐसे ये लेंस यहां पर लेता हूं, फिर मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, यहां पर आ गई ये लेंस। सपोज जब ये लेंस यहां पर आ जाती है, जब ये लेंस यहां पर आ जाती है तो इमेज कहां पे बनती है, स्क्रीन पर बनती है। तो मैं इसकी इमेज ऐसे बनाऊंगा, एक रे ऐसे, एक रे मैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लेता हूं, इट विल पास अनडिवेटेड, ये यहां से ऐसे निकलती है। ये रे मैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डालता हूं तो इट विल पास अनडिवेटेड, तो ये यहां पर ऐसे जाती है ऐसे। दूसरी रे मैं थ्रू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करता हूं तो ये थ्रू प्रिंसिपल फोकस निकलेगी और ये दो रेज जो है यहां पर मीट करती है ऐसे, तो ये यहां पर बनेगी इमेज स्टॉप की। सो दैट मीन्स इसकी इमेज यहां पर स्क्रीन पर बनी, ये बनी इमेज।
Let us suppose image the size here, it is I1. Size of image is I1. अब मैं क्या करता हूं, इसकी फोकल लेंथ सपोज कितनी है f, ये मैंने डिटरमाइन कर लिया है। अब मैं इस लेंस को और डिस्प्लेस करता हूं ऐसे, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि d शुड बी ग्रेटर देन 4f, क्योंकि अगर आपने रियल इमेज बनानी होगी बाय ए कन्वेक्स लेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड ए रियल इमेज इज इक्वल टू 4f। So, इसके पहले यहां पे कंडीशन है d शुड बी ग्रेटर देन 4f। सो आप पहले ये पॉइंट याद रखेंगे हमेशा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड ए रियल इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस इज 4f, this is the minimum possible distance between a real object and its real image. So, क्योंकि आपने पता है, if the object is placed at 2f, its image is also formed at 2f. So, ऐसे, अगर object है 2f पर, तो image भी बनती है 2f पर. ये 2f इधर, यहाँ से यहाँ भी 2f. तो ये आ गया 4f. So, this is the minimum separation. This is the minimum possibility between a real object and its real image. अदरवाइज हमेशा इस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 4f होगी। एक ही केस में 4f के बराबर होगी अगर ये 2f पर है। सो यही मैं लेता हूं यहां पे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड अ रियल इमेज इज 4f। चलिए अब यहां पे मैंने 4f केस ज्यादा रखा है, इसलिए यहां पर ये केस आ जाते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लेंस को पीछे डिस्प्लेस करता हूं ऐसे, मुझे और एक पोजिशन मिलती है, मुझे यहां पे और एक पोजिशन मिलती है ये, जहां पर फिर से जो इमेज आ जाती है वो फिर से कहां पे बनती है, स्क्रीन पर फिर से इमेज बनती है। अब मैं इसको यहां से यहां तक, सपोज मैंने इसको डिस्प्लेस किया बाय स्मॉल डी, इस लेंस को यहां से मैंने उठाया और मैंने इसको यहां पर रखा है, जब मैं इसको यहां पे रखता हूं फिर से इमेज कहां पे बनती है, स्क्रीन पर इमेज बनती है फिर से। सो दैट मीन्स एक रे जो यहां पे आएगी दूसरी रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडिवेटेड, दूसरी यहां से थ्रू फोकस आएगी, ये यहां पर बनेगी, तो फिर से इमेज ये बनी यहां पे। तो लेट्स सपोज इस इमेज आई डू, इस इमेज इज आई डू। नाउ अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड हमें ये बोलता है कि जो इस केस में फोकल लेंथ आएगी एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। वी कैन डिटरमाइन द फोकल लेंथ बाय दिस फॉर्मूला, where d is distance between the object and screen, d is the separation between the two positions divided by 4d. This gives the focal length of the lens. Why? आपने simply याद रखना है, there are two positions for the lens between the object and the screen, where the image should be formed on the screen. If d is the separation between those two positions and capital D the separation between the object and the screen, then the focal length of the lens equals d square minus d square by 4d. चलिए अब इस केस में अगर इसमें लेट्स सपोज इसमें मैग्निफिकेशन m1 आया था, अगर आप m1 मैग्निफिकेशन निकालना चाहेंगे, m1 इट इज हाइट ऑफ इमेज इट इज i1 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज o, इट टर्न्स आउट टू बी d प्लस d डिवाइडेड बाय d माइनस d। जब हम ये m1 मैग्निफिकेशन निकालते हैं, यानी इस केस में जो मैग्निफिकेशन है m1, इट टर्न्स आउट टू बी d प्लस d डिवाइडेड बाय d माइनस d। इसी तरह अगर दूसरे केस में मैग्निफिकेशन आपने निकालनी होगी, ये m2 सपोज इस केस में मैग्निफिकेशन इज m2, तो ये मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज इट इज i2 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट o इज इक्वल इट टर्न्स आउट टू बी d माइनस d डिवाइडेड बाय d प्लस d। ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखे मेमोराइज करने। नाउ अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट का मैग्निफिकेशन लूंगा m1 और m2, m1 into m2, देखो इट विल बी i1 by o डिवाइड into i2 by o, सो इट इज i1 i2 डिवाइडेड by o square, हाइट ऑफ इमेज 1
into height of image 2 divided by O into O is O square. Dekho, it is D plus D divided by D minus D into D minus D divided by D plus D. D plus D, D minus D gets cancelled. तो ये बचेगा यहाँ पे 1 खाली. So, इसी तरह अगर हम यहाँ पे M1 minus M2 लेंगे, M1 minus M2 अगर हम लेंगे, तो हमें ये ऐसे मिलेगा. M1 M1 minus M2. It will turn out to be D by F. D by F will turn out to be M1 minus M2. क्योंकि अगर आप M1 लेंगे यहाँ पे, it will be D plus D divided by D minus D minus ये. So M2, D minus D divided by D plus D. देखो, अगर आप यहाँ पर लेंगे, so it is D into D is D square plus DD, D square plus DD plus DD plus D square minus. अब देखो ये minus D square minus minus plus plus DD. इसी तरह ये minus minus plus plus DD. शाबाश. minus minus plus into minus minus D square. Minus D square cancels plus D square cancels. It is DD plus DD plus DD plus DD. It is 4 times. 4 times D divided by D into D is D square minus D square. A minus B into A plus B. Now, 4D divided by D minus D ka whole square. Dekho, D square minus D square, D square minus D square divided by 4D. Divided by 4D. So, ye D upar aayega, niche aayega F. D by F. So F आएगा इस केस में और F जो आएगा it will be D divided by M1 minus M2. Where M1 and M2 are the magnifications produced. चले. So this is all about this displacement method. So displacement method में आप ये याद रखेंगे. Focal length of the lens is equal to D square minus D square by 4D, while capital D is distance between the object and screen. Small D is distance between the two positions. Then magnification M1, magnification M2, इनका अगर आप product लेंगे, तो it will always be equal to 1, that is I1 into I2 by O square is equal to 1, or difference between the magnifications M1 minus M2, it turns out to be D by F, और F के बदले हम लिख सकते हैं D by M1 minus M2, और इसी तरह यहाँ पे ये O, यहाँ पे लेंगे O into 1, O square will be I1 into I2, so O will be root I1 I2. ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. सो दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट्स ऑफ द इमेज इन द टू केसेस. सो ये हो गया. दिस ऑल अबाउट दिस रे ऑप्टिक्स. सो यहां पे हम अब वी विल स्टॉप हियर. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक.